हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिजली के बिल बढ़ोतरी होकर आने से महिलाओं का फूटा गुस्सा, बिजली घर पहुंच कर किया हंगामा। महिलाएं ने कोरोना में 4 महीने घर बैठे कैसे भर बिल। सरकार ने बिजली के बिल माफ करने का किया था वादा। बिजली विभाग के अधिकारी को घेर कर सुनाई खरी खोटी, शहर के कृष्णा नगर का मामला। कोरोना महामारी से देश भर में पिछले 3 महीने से लॉकडाउन होने की वजह से लोगों के धंधे बंद हो चुके हैं और घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। इस दौरान सरकार ने जनता से बिजली बिल माफ करने, बिजली के बिल में पेनल्टी नहीं भरने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन आज शहर के कृष्णा नगर मोहल्ले में जब लोगों को बिजली का बिल थमाया गया तो वो हैरान हो गए। उनके 4 महीने का बिल पेनल्टी सहित जुड़कर आया, जिसे देख महिलाओं का आक्रोश और गुस्सा फूट पड़ा। मोहल्ले की सभी महिलाएं बिजली घर पहुंच अधिकारी को खरी खोटी सुनाते हुए बिल नहीं भरने को कहा। इसको लेकर विभागीय अधिकारी ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बिल भरना ही पड़ेगा। स्थानीय निवासी शायरी देवी ने बताया कि मेरे पति पिछले कई महीने से बीमार है और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। 3 महीने से घर बैठे हैं और ये बिजली का बिल इतना आ गया है, कैसे भरे हम? ना तो कमाने वाला कोई है और ना ही बिल भरने वाला, ये सरकार द्वारा वादा खिलाफी है। वहीं मोइनुद्दीन ने कहा कि जब सरकार ने ये वादा किया था और अखबार में भी ये बात छपी कि राजस्थान सरकार बिजली के बिल माफ करेगी या किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी करते हुए गरीब मजदूर लोगों की तो कमर ही तोड़ दी। समझ में ये नहीं आ रहा कि बिजली के बिल कैसे भरेंगे। हम सभी ने तय किया है कि हम में से कोई बिजली का बिल नहीं भरेगा। शायरी देवी, स्थानीय महिला, कृष्णा नगर। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्पताल सिंह की रिपोर्ट।